बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को सभी भाई बहनों की, विशेष सतगुरु बार की, बाबा को जाकर याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने बच्चों की माला के रूप में रू रूहान कर रहे थे। बाबा के आगे एक बहुत बड़ी माला, छोटी भी माला थी, छोटे बड़े उस माला के अंदर दाने भी थे, नंबर बार दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा तो बच्चों के याद की, पुरसारत की, याद रूपी मणकों को भी विशेष रूप से देखते रहते हैं। याद और पुरसारत देख करके ही बाबा बच्चों की माला तैयार करते हैं। पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार माला के दाने भी नंबर बार हैं, एक जैसे नहीं पिरोए जाते, नंबर बार दाने लगाए जाते हैं, तभी उसकी शोभा भी लगती है, देखने में अच्छा लगता है। पर बाबा ने कहा कि बाप तो सभी बच्चों को एक ही नज़र से, एक ही दृष्टि से, एक ही स्नेह प्यार की पालना में बाबा अपने बच्चों को दे भी रहे हैं और बच्चों को देख भी रहे हैं। पर बाबा ने कहा कि उसके ऊपर बाबा ने एक दृष्टांत उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कोई चीज दुनिया में, जो भी वस्तु चीज होती है, उस वस्तु का दाम एक जगह एक स्थान पर एक होता है, दूसरी जगह जाएंगे तो उसका दाम कहाँ कम होगा कहाँ जास्ती होगा। पर चीज वही मिलती है, पर थोड़ा दाम पैसे में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाप भी उसी प्रकार बच्चों को, जो बच्चे जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जैसे भी हैं, पर बाबा सभी बच्चों को एक समान ही वर्षा भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं। पर बाबा ने कहा कि लेने के समय बच्चों में नंबर वार हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाबा माला एक जैसी तैयार करते हैं, पर मन के फिर भी नंबर वार छोटे बड़े लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्चों को अपने गले का हार बनाने के लिए एक समान सम दृष्टि से बच्चों को देखते हुए अपने गले का हार बनाते हैं। जैसे कोई भी स्थान पर कोई चीज होती है तो एक जैसी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है,
और उसमें यदि थोड़ा भी फर्क होती है, थोड़ा चेंज होता है, तो सोचते ये चीज़ ठीक नहीं, थोड़ा तो अंतर है। तो बाबा ने कहा उसी प्रकार बाप अपने बच्चों को जिस प्रकार माला के रूप में देख रहे हैं, कि बाप बच्चों को अपने गले का हार, गले की माला बनाते हैं, तो बाबा ने कहा उतनी शोभनीय, उतनी लायक, उतनी संपूर्ण परफेक्ट होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा जब परफेक्ट चीज़ बन जाती है तब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने बेहद दृष्टि को सामने रख बेहद के बच्चों की, बेहद की माला को देख रहे हैं कि कौन कौन बच्चे मेरे गले के हार बनने वाले हैं। बाबा ने कहा कि मंदिरों में भी माला छोटे रूप में भी सिमरन की जाती है और बड़े रूप से भी 16,000 की भी सिमरन करते हैं तो 108 की भी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के आगे सब वैरायटी बच्चे हैं, पर बाबा ने कहा वैरायटी बच्चों में भी, बच्चों को विशेष बाबा के गले की हार की माला जो पिरोने में आती है, गले में पड़ती है, वही बच्चों को बनना है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष सभी को याद प्यार भी दिया और बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी जिन भी आत्माओं के प्रति भोग था उनकी भी बाबा को विशेष याद प्यार दिया और बाबा ने भी बड़े प्यार से स्वीकार उन्हें कराया। कराने के बाद उन आत्माओं को फिर मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।